हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने नए मैकबुक एयर को सेटअप करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट बूटअप के बारे में कि कैसे आप अपने मैकबुक एयर को जब आप परचेस करते हैं तो पहली बार सेटअप करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस आपको चूज़ करना होता है, क्या नहीं, केयर से आपको सारा कुछ प्रोसेस में इसमें डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हैं, तो पेज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इसे हम सेटअप करेंगे फर्स्ट टाइम। टू स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग सेटअप करेंगे हमारे नए मैकबुक एयर का, और हम देखेंगे कि कैसे हम इसका फर्स्ट टाइम बूटअप करते हैं और सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने मैकबुक को ओपन करते हो, देख सकते हो मैंने स्टिकर भी आपके सामने ही इसका हटाया है लेबल का, और मैकबुक एयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सबसे पहले जो ऑप्शन आपको ओपन करते ही मिलेगा वो मिलता है लैंग्वेज चूज़ करने का, तो आपको इंग्लिश चूज़ कर लेना है एंड देन आपको प्रोसीड कर देना है नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद आपको अपनी कंट्री को या रीजन को चूज़ कर लेना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मेरा इंडिया कंट्री है तो मैं इंडिया के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज आपसे पूछेगा, तो प्रेफर्ड लैंग्वेज हमारा इंग्लिश चूज़ है। कीबोर्ड जो है वो ABC इंडिया चूज़ है और डिटेक्शन इंग्लिश मोड इंडिया चूज़ है हमारा। फिर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछता है एक्सेसिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा विजन, मोटर, हियरिंग और कंजेक्टिविटी, तो आप इसे नॉट नाउ करके नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं सबसे पहले अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे ही आप अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, देन आपका अगला पेज जो है वो डाटा प्राइवेसी का होगा, वहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन माइग्रेशन असिस्टेंट पूछेगा कि आप क्या अपने किसी पुराने विंडोज़ के साथ अपना माइग्रेट करना चाहते हैं, यानी कि उसको यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर आप अपना नया सेटअप करना चाहते हैं, तो आप जो पहला ऑप्शन है फ्रॉम मैक टाइम मशीन बैकअप और स्टार्ट डिस्क, आप इसके ऊपर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका पुराना मैकबुक है जिसके साथ स्टार्ट कर चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई नहीं है फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका एप्पल आईडी आप बाद में भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप यहाँ से ईमेल आईडी अपना डालकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप नया आईडी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट अ न्यू एप्पल आईडी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और मैं अभी के लिए इसको साइन अप लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या फिर रुकिए मैं इसको लॉगिन भी कर लेता हूँ। तो मैं लॉगिन करके आगे का आपको डिस्प्ले जो है वो दिखाता हूँ। अब अगला पेज जो आता है वो टर्म्स एंड कंडीशन का आता है, इसको आपको एग्री कर लेना है, एग्री करके क्लिक कर देना है एग्री के लिए। फिर आपसे कंप्यूटर का नेम पूछेगा डालने के लिए, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर का नेम, तो मैं अपने कंप्यूटर का नेम डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट नेम पूछेगा, या चलिए मैं फुल नेम अपना डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट नेम आ गया, ठीक है। फिर पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड के लिए मैं उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। द हिंट कंटेन द पासवर्ड, हिंट में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, तो उसे सही करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। एक्चुअली जो ये जो पासवर्ड है ये वो पासवर्ड है जब आप अपने मैकबुक को ओपन किया करेंगे तब आपसे ये मांगा करेगा, तो ये नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपका वो लॉगिन हो जाएगा, यानी कि मैकबुक मशीन जो है वो ओपन हो जाएगी आपकी। कंटिन्यू कर देने के बाद आपको वेट करना है क्रिएटिंग अकाउंट के ऊपर, ये दिखा रहा है यहाँ पे क्रिएटिंग अकाउंट, वेट करना है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है बूटअप होने में। उसके बाद लोकेशन को आप ऑलवेज एनेबल करके रखिएगा, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। शेयर मैक एनालिटिक्स विथ एप्पल, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है शेयर क्रैश यूजेस विथ ऐप डेवलपर्स, दोनों को ओके कर दीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन स्क्रीन टाइम के बारे में पूछेगा, वीकली रिपोर्ट्स, डाउन टाइम एंड ऐप लिमिट्स, तो इसे भी कंटिन्यू कर दीजिएगा, ज़रूरी होता है। सीरी को एनेबल करना चाहते हैं तो आस्क सीरी को एनेबल कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। You can change it later in system settings. दो तरह का वॉइस इसमें आपको मिल जाएगा। पहला वॉइस, I'm Siri.
Choose the voice you'd like me to use. You can. Hi, I'm Siri. एक मेल और एक फीमेल है तो मैं मेल वाले को कंटिन्यू कर दूंगा. You can change it. सेटअप हे सिरी के ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए. हे सिरी, हे सिरी, सेंड अ मैसेज. हे सिरी, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? हे सिरी, व्हाट डज द रेस्ट ऑफ माय डे लुक लाइक? हे सिरी, प्ले सम म्यूजिक. अब आपका जो सिरी है वो रेडी हो गया यूज करने के लिए, कंटिन्यू कर दीजिए. और इम्प्रूव सीरीज डिटेक्शन के लिए क्या करना चाहता है मैं नॉट नाउ कर दूंगा. शेयर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को ये मांगेगा तो उसको आप नॉट नाउ कर दीजिएगा ताकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका एप्पल के ऊपर ना जाए. कमी इन्फॉर्मेशन में अगर काम चल सकता है तो कम इन्फॉर्मेशन में काम चलाइए. अब टच आईडी आपका यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोलेगा तो कंटिन्यू करते हैं हम टच आईडी के लिए. और यहाँ पर आप देख सकते हैं टच आईडी आपकी है. यहाँ से आप अपना फिंगरप्रिंट लगाकर टच आईडी जो है वो आप सेटअप कर सकते हैं. टच आईडी इज रेडी, अब कंटिन्यू कर दीजिए. आप लाइट मोड यूज़ करना चाहते हैं, डार्क मोड यूज़ करना चाहते हैं तो मैं अभी लाइट मोड पे क्लिक कर लेता हूँ. बाद में आप इसे सेट भी कर सकते हैं. अब देख सकते हैं आपका जो एप्पल का पहला लुक होता है ना भाई, वो आ चुका है आपके सामने. मैं थोड़ा सा डिम करता हूँ लाइट और आपको दिखाता हूँ. ये है अबाउट द मैक के बारे में, देखते हैं क्या है. तो वर्जन ये है, आपको बाय डिफॉल्ट वेंचुरा 13.5 देखने को मिल जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेटअप ऑफ मैकबुक ओएस मैकबुक एयर M1. वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलेंगे अगली वीडियोज में.